मैं इश्तियाक खान हूँ और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, पन्ना शहर का, और NHU पास आउट हूँ 2004 में। काफ़ी काम किया हुआ है और इस फिल्म का करने का जो कारण था वो ये था कि क्योंकि हमारा पूरा विश्व जो है एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसमें सारे लोग परेशान थे, लोगों की जाने जा रही थी, धंधे जा रहे थे। उस समय इस फिल्म को बनाने का जो लकी जी का सपना था या लकी जी ने जो मुझे बोला कि मैं चाहता हूँ कि लोग हंसें, लोग इस परेशानी को भूलें, कम से कम अगर 2 घंटे भी हम लोगों को इंटरटेन कर सके तो बहुत अच्छा होगा। कैरेक्टर मैंने सुना तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, मेरे लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर था क्योंकि वो मुसीबतों में भी लोग उस कैरेक्टर से जुड़ेंगे, लोग उस कैरेक्टर को देखकर हंसेंगे। तो ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी बात, किसी भी सीट को, कितने भी सीरियस काम हो, कितना भी सीरियस टॉपिक हो, उसको आप कितने अच्छे से हल्के फुल्के तरीके से दर्शकों तक पहुँचा सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसलिए ये फिल्म करना मतलब राजी हुआ और ये कैरेक्टर भी मैंने डिज़ाइन किया इसी प्रकार। कोरोना काल में मतलब जी जी कहाँ शूटिंग हुई? ये यहीं महाराष्ट्र में हुई, एक गांव में, तो वहाँ पूरी टीम गई थी, पूरा चेकअप करवा के सब लोग एक जगह, जहाँ से फिर निकलना नहीं है, ना किसी को आना है ना किसी को जाना है, एक बार में पूरी फिल्म बनाई गई और डरते डरते कॉमेडी की गई। हाँ, बहुत, क्योंकि मेरे सीनियर इसमें हैं, सुब्रत दत्ता साहब हैं, सुनीता जी हैं और गाड़ेकर साहब हैं, तो ये लोग परिपक्व लोग हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है, हमसे पहले थिएटर करते थे, हमसे पहले फिल्में करते थे, तो इनके साथ काम करने में मज़ा आता था, इम्प्रोवाइज करने में मज़ा आता था। तो तीनों ने जो मेरे कैरेक्टर को दिया है, पता नहीं मैंने उनको दिया या नहीं, उनके काम से मुझे बहुत कुछ मिला है और ये कैरेक्टर निखर के आया है। सर, ये टाइटल जो है आज से इतना यूनिक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे टाइटल के बारे में, कितना अच्छा, कैसे? टाइटल इसलिए रखा है क्योंकि आप कोई भी कहानी एक घटना से शुरू होती है, तो वो घटना कुछ भी हो सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, किसी का पैदा होना, किसी का मरना या किसी की नौकरी लगना। ये कहानी जो शुरू होती है, जो गढ़ती है, वो छींक से शुरू होती है और फिर कैसे उससे आगे बढ़ती चली जाती है, इसलिए उसका नाम छींक रखा हुआ है, आप छींक रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिल्म देखें और फिल्म बड़ी शिद्दत से बनाई है, कम साधन में बनाई गई फिल्म है, और जैसे कि होता है कि फिल्म बन जाए लेकिन आप लोगों के बगैर अधूरी है फिल्म, तो आप आएंगे तभी ये फिल्म सार्थक होगी, सफल होगी। ये है, बनाया जा रहा है, और आज़ाद रहें, खुश रहें और अपनी आज़ादी का जश्न दिल से मनाएं। और मोदी जी बोले कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर घर में तिरंगा सिर्फ अभी नहीं होना चाहिए, हर बार, हर वक्त होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। अभी कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, क्या? बढ़िया माहौल है, पहले भी बढ़िया माहौल था, अभी भी बढ़िया माहौल है और आगे भी बढ़िया माहौल रहेगा। सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती है कि वो माहौल ख़राब हो, है ना? तो मोदी जी भी आए हैं माहौल अच्छा करने के लिए, पिछली सरकार भी माहौल अच्छा करने के लिए आ गई, आने वाली भी सरकार माहौल अच्छा करेगी। थैंक यू सर। चूहा मार कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी धर्म पत्नी का है संगीता नाम है, और ये लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हैं, इनफैक्ट लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर, एकदम ही पॉवर्टी लाइन में है जो, और चूहा मार के कोई आदमी कितना कमा सकता है, पर खुश मिजाज हैं और हंसते खेलते ज़िंदगी बिता रहे हैं, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू जब एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या करेंगे लाइफ में, और कॉमेडी ऑफ एरर है ये फिल्म पूरा, इसमें किरदार तो है ही कॉमिक, साथ में लिखाई बहुत अच्छी है,
डायरेक्शन बहुत अच्छा है और बड़े प्यार से बड़ी स्मूथली फिल्म हमने लॉकडाउन के दौरान शूट करी थी बदलापुर के पास। जो संगीता का कैरेक्टर है वो बेबाक है और भोली है लेकिन मुंह फट है, ऐसे नहीं कि सोच समझ के नहीं बोलती है, और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है कि अगर कोई मुसीबत में आ गए कुछ आ गए तो ये नहीं कि घबरा के अभी क्या करना है, वो दिमाग लगा के कोई तिकड़म बिठा लेते हैं। मैम पोस्टर में काफ़ी यूनिक लग रही है आप और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी एकदम लग रहा है देख के, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा किरदार। हाँ, ये जो संगीता का किरदार है ये कॉमिक ही है और जैसा मैंने बोला था कि जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो इस तरह से लिखे हुए हैं कि जो भी उन्हें बोलेगा तो आपको हंसी आएगी आएगी, वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और जो तालमेल बिठाया हुआ है उन्होंने राइटर ने तो वो बहुत अच्छा है। खासकर जो हमारा पहला सीन है मेरा और मेरे हस्बैंड का तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप वहीं से ही एक ग्रिप आ जाती है। और जो कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला था कि वो भोली है लेकिन मुंह फट है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका, तो वो जिस तरह से बात करती है या वो जिस सिचुएशन में अपना दिमाग लगाती है तो वो बहुत जो है कॉमिक है, हंसाने वाला है और गुदगुदाने वाला है। शूटिंग करते टाइम कितना अच्छा ट्यूनिंग आप सभी करा, कितना कुछ एंजॉय किया आप? शूटिंग ये लोग तो एक्चुअली मेरे से बहुत पहले से शूट कर रहे थे, मेरा काम इन लोगों ने, क्योंकि शायद पेंडेमिक था तो हर एक का इन्होंने ऐसे शूट शेड्यूल किया था कि चंक में लोगों का काम खत्म हो जाए, और मैं किसी और शूट के लिए जाने वाली थी तो मैं 3 दिन के लिए बदलापुर गई थी और 3 दिन में हम लोगों ने पूरा शेड्यूल आराम से ख़त्म किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इश्तिया और सुब्रत ये दोनों मेरे NSD के ही ग्रेजुएट हैं, सुब्रत तो मेरे से एक ही बेस्ट सीनियर है और इश्तिया मेरे जूनियर हैं, तो हम लोगों की ट्यूनिंग में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। पहले दिन से ही गए, सीन पड़ा और सीन करना शुरू किया तो हम लोगों को की ट्यूनिंग अच्छी बैठ गई थी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि ईगो प्रॉब्लम हो या फिर डायलॉग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब स्मूथ ट्यूनिंग हो गई थी। दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने तरफ से? दर्शकों को मैं यही बोलूँगी कि आज की भागदौड़ की लाइफ है और सीरियस फिल्में भी बन रही हैं, सीरियस OTT प्लेटफॉर्म पर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इस सारी भागदौड़ में और अपनी अपनी लाइफ की परेशानियों में अगर थोड़ा सा समय मिले आपको हंसने का, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक अच्छी सरल सी हंसने वाली फिल्म देखने का, तो अच्छी ज़रूर देखिए, आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। हम भाग्यशाली लोग हैं सबसे पहले तो, क्योंकि हम ये अपना 75वां गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, क्योंकि 2 साल जो हमने पैंडेमिक के देखे हैं उसमें आज हर इंसान जो सांस ले रहा है वो बहुत लकी है। हमें शुक्रिया करना चाहिए अपने सैनिकों का जो किसी भी मौसम में खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। हमें शुक्रिया करना चाहिए हर उस इंसान का, वो चाहे डॉक्टर है, लॉयर है, पॉलिटिशियन है या टीचर है या इवन जो एंटरटेन करते हैं हर किसी का, जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत हंसी लाता है, थोड़ा बहुत सुकून लाता है। और हम लोगों को प्यार बनाए रखना है, भाईचारा बनाए रखना है और सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुब्रत दत्ता और इस पिक्चर में, मतलब हमारी हिंदी कॉमेडी फिल्म अच्छी में, मैं प्रोफेसर बख्शी का रोल अदा कर रहा हूँ और 25 अगस्त की रिलीज़ हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें इस पिक्चर को। एक इंडिपेंडेंट कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया लकी हंसराज ने और प्रोड्यूस किया कोमल इनवे और पेपर प्लेट पिक्चर्स। हमारे साथ हैं हमारे मित्र, NSD के मित्र इश्तियाक, सुनीता राजवार और खेमचंद है, जयंत गाडेकर जी हैं, राम जीवन है, तो बहुत सारे लोग हैं और हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, क्योंकि लॉकडाउन बहुत दिन तक हम लोग खाली बैठे थे, उसके बाद ये पिक्चर हमारे झोली में आ गिरा
और बहुत ही मज़ा आया क्योंकि बैठे बैठे घर में बोर हो गए थे और उसके बाद बहुत मज़े किए, तो आप लोगों को भी उतना ही मज़ा मिलेगा इस पिक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन मिसकंसेप्शन के ऊपर एक फिल्म है जिसमें कॉमेडी होती रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, ट्रेलर देखें और लोगों को दिखाएं, शेयर करें। आजकल तो सोशल मीडिया का एरा चल रहा है। अरे शूटिंग के दौरान क्या था कि हम लोग सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही थे। इश्तिया हो, सुनीता हो, जयंत गाड़ेकर हो, खेमचंद, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिक्किम से हैं। सो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। उसके बाद लकी जी हमें जो सिचुएशन देते थे, हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे, फिर उसमें और मज़ा आता था। और ऐसे हम लोग करते 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 चले गए और एक दिन पिक्चर ख़त्म हो गई। टाइटल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी यूनिक टाइटल है आज की, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? टाइटल, हाँ, इसको छींक भी कह सकते हैं, अच्छी भी कह सकते हैं। ज़्यादातर मैंने बोला छींक क्यों नहीं है, अच्छी क्यों नहीं है, तो एक रिदम है शायद, इसलिए इसको, मतलब इस शब्द को लकी साहब ने चुना एज ए डायरेक्टर की, जो डायरेक्टर भी है, राइटर भी हैं, तो कुछ ना कुछ अनोखी या अनोखापन तो है इसमें। बाकी ये एक ही बात कहूँगा कि बहुत मेहनत से बनाया और बहुत ही मतलब टाइट शेड्यूल में हम लोगों ने पिक्चर बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़रूर इस पिक्चर का, आप लोग ट्रेलर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इस पिक्चर में मतलब मज़े तो बहुत है। सवाल ही ख़त्म हो गया। सर ये चूहा मारने का क्या मतलब? देखो भाई, चूहा जब एक दो रहता है तो चलता है, तब लगता है कि गणपति जी का वाहन है, लेकिन अगर उसी घर में 100 चूहे हो जाए तो फिर कम करनी पड़ती है। मैं मारना शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं कहूँगा भगाना पड़ता है। नहीं तो किसी भी हम लोग जब गणपति की पूजा करते, चूहे का बहुत ही महत्व है, लेकिन अगर घर पे मुंबई जैसे छोटे छोटे जैसे फ्लैट है हमारे, उसमें अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको भगाना पड़ता है। तो ये उसी के रैट किलर एक प्रोफेशन हमारे मुंबई में बहुत पहले से चला आ रहा था। उस प्रोफेशन के साथ एक किलर का कैसे मिसकंसेप्शन या कन्फ्यूजन होता है, और मैं इसमें राइटर का रोल प्ले कर रहा हूँ जो थ्रिलर लिखना चाहता है, इसी के ऊपर ताना बुना जो आपके सामने पिक्चर अच्छी, और उसमें सुनीता जी इश्तियाक जी के पत्नी का रोल अदा किया, तो कुल मिला के मतलब मैं ये कहूँगा कि ये तो 10 करोड़ की पिक्चर नहीं है, लेकिन हमारा दिल 100 करोड़ का है, मतलब इतनी हम लोगों ने दिल से ये पिक्चर बनाया। 15 अगस्त तो कुछ और ही मुद्दा है भाई, इस पिक्चर के साथ क्या लेना देना? पिक्चर तो ये कहाँ पे दोगे? देखो, ये 75वीं गणतंत्र दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं और आज से शुरू हो चुका है, सॉरी, फिर भाई वही स्वतंत्रता दिवस। नमस्कार दोस्तों, 75वीं स्वतंत्रता दिवस हम लोग पालन कर रहे हैं और आज से शुरू हो चुका है। मैं तो अपने खिड़की पर मैं वो फ्लैग लगा चुका हूं और मुझे BMC ने प्रोवाइड किया है, मतलब बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि सारे लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाएं, क्योंकि ये एक गर्व की बात है। हम हिंदुस्तानी होने के नाते ये हमें उन लोगों को याद करना चाहिए, लाखों लोग कई दशकों से, मतलब 1857 से शुरू करके तब जाके 1947 में हमें यह आज़ादी मिली। तो सल्यूट दोज पीपल, थैंक यू। मेरा नाम विनर सिंह नाथ है और मैं इस मूवी में रबी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और फिल्म काफ़ी कॉमेडी है, हिलेरियस कॉमेडी, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं खुद इस मूवी का इंतज़ार कर रहा हूँ और शूटिंग के वक्त तो काफ़ी मज़ा आया था। नया यानी कि इसमें जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी, मतलब अलग ही लेवल का है, और मतलब पेंडेमिक के वक्त किस तरह से सब टेंशन में थे और वहाँ से सब लाफ्टर में कैसे कन्वर्ट हो गया ये दिखाया जाएगा इसमें। और कुछ कोरोना काल में मतलब शूटिंग हुआ, क्या क्या परेशानियाँ उत्पन्न हुई? कोरोना काल में सर भी क्या बताए कि यहाँ रिपोर्ट निकालो, वहाँ रिपोर्ट निकालो, मास्क ये वो, मतलब बड़ी दिक्कत, बहुत दिक्कत। अभी कुछ बताया नहीं, आपको तो सबको पता है कि मास्क लगाने, फिर निकालो, फिर लगाओ, फिर सैनिटाइज़र, फिर ये, फिर हाथ धो, बार बार हाथ धो, फिर ये रिपोर्ट निकालो, वो रिपोर्ट निकालो, वैसे बहुत कुछ, बहुत सारी दिक्कतें थी कोरोना काल में, बहुत सारी, रियली। चूहा मार रहे स्टोरी,
वो तो बहुत कॉमेडी है कि एक चूहे मारने वाले को डॉक्टर समझ लिया गया है और पूरा उसमें जो फन आया है, जो कन्फ्यूजन है, और मतलब जो कन्फ्यूजन में जो फन है ना, वो काफ़ी हिलेरियस है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आओ देखो और मौज करो, ऐसी फिल्म है। एक बार देखोगे तो आप दूसरी बार तो आओगे आओगे, डेफिनेटली आओगे। टाइटल भी यूनिक है आज। हाँ वो है वो ऐसी है वो। दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली आके देखो, आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। सारे करेक्टर ने, सर इश्तियाक सर ने, फिर दादा ने, सब ने अच्छा काम किया है। मैं भी एक पहले टाइम एक बहुत अच्छे रोल में हूँ, मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैंने इतना मतलब बड़ा काम किया, और लकी सर ने काफ़ी हमें हेल्प की है। और दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आओ देखो मूवी, एक बार डेफिनेटली देखो, बढ़िया मूवी बनी है, कॉमेडी मूवी बनी है, और इस वक्त हमें कॉमेडी की डेफिनेटली ज़रूरत है। थैंक यू सर। अपने बारे में और अपने किरदार के बारे में, इंट्रोडक्शन आप और क्या सर, किरदार के बारे में ऐसा मेरा जो किरदार है वो इस्माइल मेरे किरदार का नाम है, और मैं जो इस फिल्म के जो मुख्य किरदार हैं इश्तियाक भाई, उनका मैं दोस्त बना हूँ, और मैं थोड़ा फनी और थोड़ा मतलब लफंडर टाइप का इंसान बना हूँ। और ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आप सबको देख के मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और इसकी शूटिंग कहाँ हुई, इसकी शूटिंग जो हुई है ये बदलापुर में हुई है, मुंबई के पास ही, और कुछ मुंबई में भी हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो सब कुछ है वो मुझे लगता है कि सब बदलापुर में ही हुआ। ये कोरोना काल में शूटिंग के लिए थे? हाँ जी उस वक्त में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हम लोग भी प्रॉब्लम्स में थे, तो अचानक से फिल्म के बारे में सुना कि मुझे ऐसे एक फिल्म करनी है कि हैदराबादी कैरेक्टर करना है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई सुन के। तो लक्की सर ने मुझे फिर चांस दिया, मेरे ऑडिशंस देखे, मुझे सेलेक्ट किया, और फिर इस फिल्म में मुझे शामिल किया। मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके इस फिल्म के साथ। टाइटल क्या सर? टाइटल आछी। हाँ ये कितना, ये टाइटल बहुत ज़रूरी है, ये बहुत, क्योंकि लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम चल रही थी, सिम्बोलिकली आप आँची से उसको समझा सकते हैं अच्छे से, बहुत बहुत सुंदर टाइटल है। हाँ सर, आपका काफ़ी यूनिक पोस्टर पे दिख रहा है कि काफ़ी यूनिक रोल है, और उसके किरदार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा जो इंजॉय किया आप? मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मेरा जो किरदार है वो मतलब कि छोटे मोहल्ले बस्ती में जो छिछोरे लोग होते हैं, जो अपने दोस्तों को ख़राब करते हैं, बिगाड़ते हैं, उस तरह का किरदार है मेरा, तो मुझे करने में बड़ा मज़ा आया, बहुत खुशी मिली, और करते करते ही इंजॉय करने लगा मैं, अपने आप किरदार हो गया। और जाते हैं, दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लॉकडाउन में हमने सहा, जो कुछ हुआ, उनको सब यादों को थोड़ा हल्केपन से लेके, और हमारी फिल्म के साथ उन यादों को अपनी आप दोबारा से इंजॉय कर सकते हैं। मेहनत तो बहुत लगा है, क्योंकि आई एम एंड लाइक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हूँ मैं, और काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई थी, बट मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक जो हम लोगों ने किया था, क्योंकि कोविड में क्या हुआ था कि हर कोई आँची से डर रहा था, कि किसी ने भी छींक दिया तो लोग भागते थे, या फिर कोई उसको क्योंकि वो सिम्टम ही ऐसे बन गए, बना था कि कोई भी आके उसको कुछ पॉजिटिव वे में नहीं देख रहा था, क्योंकि छींक आई मतलब ये पॉजिटिव ही हो गया लाइक दैट वे। सो देन वी थॉट कि क्यों नहीं ये जो आँची नाम है हम लोग एक फ़नी वे में प्रेजेंट करें लोगों के पास। और जब ये टॉपिक आया तो मैंने सोचा कि ऐसी जो फिल्में होती है हमने एक्चुअली बनाना चाहिए, जिसके लिए सॉरी मुझे समझ में नहीं आया। हाय, मेरा नाम कोमल उन्मनाय है, मैं आँची फिल्मी प्रोड्यूसर हूँ। मैंने ऑलरेडी एक फिल्मी प्रोड्यूस की थी, उसका नाम था वन वे टिकट, और वो थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी, एंड नाउ दैट फिल्म इज़ ऑन प्राइम वीडियो। एक्चुअली आई एम बेसिकली एड फिल्म मेकर, मेरे जो टीवी कमर्शियल्स आते हैं मैं वो एड कमर्शियल्स बनाती हूँ, और ये फिल्म मेरी दूसरी फिल्म है जो अभी थिएटर्स में आ रही है 25 अगस्त को। सो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग जाए और ये जो फिल्म है इसको सपोर्ट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा ये फिल्म देखते।
स्टोरी में चूहा मार। सो ये बहुत ही फनी एक कैरेक्टर इसमें हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। सो इसमें क्या होता है कि काफ़ी बार हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ही मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, मिस आइडेंटिफाई किसी को कर लेते हैं। तो ये स्टोरी इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट ओनली, और कैसे ये एक सिचुएशन जो है वो कैसे एक लाफ राइट में बन जाती है। ऑल आई वांट कि जो मेरी ऑडियंस है उनको एक अच्छा सा एक फील गुड फिल्म के बारे में वो हंसे, और सब फैमिली के साथ आप ये फिल्म देख सकते हो। सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बहुत ही सच बोला है, क्योंकि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो होता है उसको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि एक्टर्स, मतलब एक्टर्स भी आजकल, मतलब जैसे कि हम लोग साउथ में देखते हैं, तो साउथ में एनी सुपरस्टार कैन वर्क विद एनी न्यू डायरेक्टर और न्यू प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। बट यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि एक्टर्स की, बट आई एम सो ब्लेस्ड कि जितने भी NSDK के एक्टर्स हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। दे आर लाइक बेस्ट एक्टर आई हैव गॉट फॉर माई फिल्म, जिन्होंने जो मेरा स्टोरी है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, इसको जस्टिफाई किया। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म। ये फिल्म पूरा कोरोना काल में शूटिंग की गई है, क्या क्या दिक्कतें आई? एक्चुअली ये जब सेकंड जो लॉकडाउन हुआ था तब हम लोगों ने शुरू किया था फिल्म, और एक्चुअली दिक्कतें तो काफ़ी सारी आई। बट मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो था कि जो भी मेरे सेट पे है, सबसे इम्पोर्टेंट उनका हेल्थ अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशन रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग जो भी वैक्सीनेशन है। हम लोग हमारे सेट पे डॉक्टर्स भी होते थे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी को, यू नो, सो दैट ऑल प्रिकॉशन वी हैव टेकन। और मुझे एक अच्छा, मतलब मुझे काफ़ी सारे जो टीम मेम्बर्स है उनसे मुझे काफ़ी रिव्यू ये मिला कि दे वेर एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग जॉब, यू नो, क्योंकि कोविड में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर एक प्रेशराइज हुआ है तो वो है फिल्म इंडस्ट्री, यू नो, और फिल्म इंडस्ट्री को लेके, मतलब, और मुझे कुछ ना कुछ तो, मतलब ये फिल्म तो बनानी ही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक मौका भी मैं दूंगी कि चलो भाई कुछ तो जॉब जनरेशन भी होगा और मेरी फिल्म भी थी। और बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे इस फिल्म के दौरान मिले, जितना भी मेरा कास्ट, मेरा क्रू, और मैं हमेशा मानती हूँ कि जो भी एक फिल्म बनती है वो किसी एक की नहीं होती, पूरा टीम वर्क उसमें होता है। और मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे बहुत अच्छी टीम इस फिल्म में मिली। दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत मेहनत से ये फिल्म मैंने बनाई है, और बीइंग अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो भी दिक्कतें आती है, मतलब मैं आपको बयां भी नहीं कर पाती कि कितना स्ट्रगल एक होता है एक प्रोड्यूसर का, जब वो फिल्म शुरुआत से लेके जब वो रिलीज़ होती है, थिएटर्स में जाती है। और मैं आपको ये पक्का वादा कर सकती हूँ कि आप ये फिल्म आपके पूरे फैमिली के साथ आप जाके देख सकते हो और इसका मज़ा आप ले सकते हो। डायरेक्टर लकी हंसराज, ये आज ही फिल्म हमारी पहली डेब्यू फिल्म है। इसके पहले हम कमर्शियल्स कर रहे थे, टीवी कमर्शियल्स फ्रॉम आवर प्रोडक्शन हाउस पेपर प्लेट पिक्चर्स। सो कहानी ऐसी है कि ये कहानी हमने लिखी थी, दैट इज़ टोटली डिफरेंट कि ये दो जोड़ी की कहानी हमने लिखी थी। बट जब कोविड की सिचुएशन में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन सब लोग झेल रहे थे, इरिटेशन झेल रहे थे, तो सेम मे भी उसी में से एक था। और अपने चार दीवारी के बीच में मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे इसको शॉर्ट करूं और इस जो सिचुएशन को कैसे कॉमेडी में टर्न करूं, बस वही मैंने करने का कोशिश किया है। एंड बस उस सिचुएशन को हमने इस फिल्म में यूज़ किया है और फिल्म का नाम आछी रखा है। सो कहानी ऐसी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, बट ये रैड कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसको एक हॉक्स कॉल आता है, मतलब एक गलत फ़ोन कॉल आ जाता है गूगल के द्वारा। वो ढूंढने के बाद में ऑल ऑफ सडन कुछ गलत फ़ोन कॉल, गलत नंबर मिल जाता है और कॉन्ट्रैक्ट किलर की जगह रैड कॉन्ट्रैक्ट किलर मिल जाता है। और रैड कॉन्ट्रैक्ट किलर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है ड्यू टू कि कोविड में पैसे कैसे मिल सकते हैं, दैट्स द थिंग। और वो लेने के बाद में वो कैसे जर्नी आगे लीड करता है, आगे जाने के बाद में लॉकडाउन लग जाता है, कैसे फंस जाता है, तो ये कहानी ऐसी है। तो एक रैड कॉन्ट्रैक्ट किलर को एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मिल जाता है, इट वाज लाइक दैट। सो वहाँ से इंस्पिरेशन। आपका
चैलेंजिंग था 100%, नॉट अबाउट क्रिएटिविटी बट इट्स अबाउट कोविड. कोविड में ये मेरी सारी क्रू टेक्नीशियंस एक्टर्स के साथ में शूट करना और वो सारे ही चीज़ें मद्देनजर रखना कि हमको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर रखना, ये सारी चीज़ें दैट वाज द चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द मेकिंग दिस फिल्म. दोज आर रेस्ट आर ब्रेड बटर एंड कप ऑफ टी, यू कैन सी. पूरी टीम के बारे में बोलना तो सबसे पहले हमारी जो प्रोड्यूसर है कोमल उनाव ने, इनके साथ में हमारा काम अभी हो गए, मतलब यू कैन से 5 years से हम लोग कमर्शियल्स कर रहे थे एंड बहुत सारी और भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज है जिस पे हम काम कर रहे थे और उसमें से ये एक स्टोरी थी. तो जैसे ही कोविड का एक आइडिया डाल के मैंने स्टोरी उनको सुनाई तो शी गॉट इम्प्रेस्ड एंड शी डिसाइड कि चलो यार हम लोग ये फिल्म बना सकते हैं. आफ्टर दैट आई ट्राइड टू कनेक्ट सो मेनी मोर एक्टर्स जिनमें से फिर इश्तियाक जी और सुब्रत दत्ता और सुनीता, इन लोगों से कनेक्ट हुआ एंड देन हम लोगों ने प्लान किया एंड डेफिनेटली फिर हम लोगों ने उसको कैसे मार्क दिया दैट इज़ यू आर गोइंग टू वॉच इन द मूवी. सॉरी, इस फिल्म में क्या कुछ यूनिक देखने को मिलेगा दर्शकों को? यूनिक आपको देखने मिलेगा स्पेसिफिकली ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है, आप ऑडियंस करके आपको सारा खेल पहले से पता है और ये जो कैरेक्टर है कैसे मिस कर रहे हैं एक दूसरे को एक ये सिचुएशंस में, बस इसी में ही आपको यूनिक चीज़ यही देखने मिलेगी कि कैरेक्टर कैसे एक दूसरे का चेंज ओवर करते हैं अलग अलग किरदार निभाने के लिए. कोई रैट किलर है वो जानवरों का डॉक्टर बन जा रहा है, जानवरों का डॉक्टर है वो हंटर किलर बन जा रहा है, इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर, मतलब दो ही लोगों ने एक बहुत ही अलग अलग तरीके के और भी कैरेक्टर्स प्ले किए हैं आपको फिल्म में अलग देखने मिलेंगे. आची इसी के लिए रखा गया था क्योंकि ये फिल्म हम लोगों ने कोविड के सिचुएशन से रिलेटेड बनाया, नॉट कोविड रिलेटेड, इसमें कोविड रिलेटेड कोई नहीं बट सिचुएशन. जो जैसे ही 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया था है ना, उसके बाद में कोविड ने कैसे इंटर किया था तो वो सिचुएशन में ये कहानी हो गई है ना. इस कहानी का जो उगम है समझ लो ये उस पीरियड में होता है, तो उस पीरियड के सिचुएशन में हम देखते तो हमने बस इतना ही यूटिलाइजेशन किया कि हाँ चलो उस सिचुएशन की कहानी है तो इसको आछी हम लोग देते हैं जिसमें एक इंस्पायरिंग आछी है. मतलब क्या है, आप कोई भी लैंग्वेज का वर्ड ले लो पर स्नीज करने के समय आप एक ही सिंगल वर्ड बोलते हो छी, आप जब छींकते हो तो आच, बस हर कोई यही, कोई भी तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, बट फ्रॉम दैट वी हैव जस्ट गॉट इंस्पायर्ड एंड वी सेड कि चलो ये टाइटल हो सबके लिए एक ही हो. जाते जाते ये मैसेज ज़रूर देंगे कि बिल्कुल बेशक आप हमारी फिल्म देखिए है ना, थिएटर में 25 अगस्त को रिलीज़ हो रही है आपकी नज़दीक थिएटर में, आप प्लीज़ जाइए और आपके अगर आपको अच्छी लगेगी डेफिनेटली आप आपके आसपास के लोगों को भी बोलिए तो ही हमारी फिल्म को आगे और सपोर्ट मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. मैं हूँ जयंत गाड़ेकर, मैं एक्टर हूँ, आप मुझे फिल्मों में देखते हैं, टीवी वेब सीरीज़ में देखते हैं, आर्ट्स में देखते हैं, लेकिन अगली बार मुझे देखेंगे आप एक कमाल की फिल्म आँखी फिल्म का नाम है उसमें आप देखेंगे. और ये फिल्म कमाल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत हटके सब्जेक्ट पर ये फिल्म बनाई गई है. उस समय जब लोग जीना भूल गए थे, लोग अपने घरों में दुब के बैठे थे, उस समय किसी एक बुद्धिमान आदमी ने एक कमाल का आइडिया निकाला कि इन हालातों को मद्देनज़र, इन हालातों के बैकड्रॉप पे मैं क्या कमाल का सोच सकता हूँ, लोगों को थोड़ा सा हंसा सकता हूँ, जीने की नई उम्मीद दे सकता हूँ. तो इसी के तहत लकी हंसराज हमारे जो डायरेक्टर हैं, ही इज़ अ लकी गाय फॉर दिस फिल्म, उन्होंने ये फिल्म सोची समझी लिखी और हमारे लिए बनाई, जिसका एक हिस्सा होने के नाते मैं भी लकी हूँ और हमारी प्रोड्यूसर कोमल उनाव ने जी जिन्होंने ये प्रोड्यूस करी वो भी इस फिल्म के लिए लकी है क्योंकि उन्होंने ये फिल्म हम सब के लिए जुटाई, बनाई और एग्जीक्यूट करी. एक कमाल की फिल्म है, रोलर कोस्टर राइड है, बहुत हंसी मज़े का एक लंबा सफ़र है जो हम सब एंजॉय करेंगे जब ये फिल्म आएगी, क्योंकि जैसे हालात थे हम जानते हैं कि कोरोना काल था, महामारी का काल था, सब डरे हुए थे, मृत्यु का एक भयंकर तूफान सा मंडरा रहा था और ऐसे हालात में भी लोग जीने की कोशिश कर रहे थे, अपने लिए राह ढूंढ रहे थे, कोई किसी की सुपारी दे रहा था, कोई किसी के नाम का बीड़ा उठा रहा था. ऐसे समय में एक मज़ेदार फिल्म कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे एग्जीक्यूट होती, इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है. नहीं मैं सुन लिखा सर,
आँख से रिलीज हो रही है आने वाले 25 अगस्त को, बहुत ही लकी डेट है, बहुत अच्छी। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से इस फिल्म के बारे में? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, देखिए छींक जो होती है भले ही एक डरावना लक्षण है किसी बीमारी का, मगर हमारी संस्कृति में छींक को एक शुभ संकेत भी माना जाता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये आँखी बहुत कुछ अच्छा लेकर आपके जीवन में आने वाली है। ये फिल्म मज़ेदार है, साथ ही साथ एक संदेश भी देगी और आपका मनोरंजन भी करेगी, तो ज़रूर देखिएगा। आज सर पोस्टर पर चूहा ऐसा लटका हुआ है और चूहा मार की कोई कहानी भी है, उसके बारे में कुछ बताइए। आँची के पोस्टर में आप देख रहे हैं कि हमारे नायक जो है वो चूहा, एक मरा हुआ चूहा पकड़े हुए हैं, तो उनका जो व्यवसाय जो है ही इज़ अ प्रोफेशनल रैट किलर, वो जैसे हमारी महानगर पालिका चूहे मारने वालों को अपॉइंट करती है, वैसा वो एक चूहे मारने वाला कॉन्ट्रैक्टर है, और वो चूहे मारने वाले को कोई क्या समझ लेता है और उस पर से क्या एक गलतफहमियों का पहाड़ खड़ा होता है और उसमें से क्या हास्य विनोद क्रिएट होता है, क्या कॉमेडी होती है, वही सब दिखाने का प्रयास किया है।